2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया था। 3 महीने जॉब के साथ किया, देन आई रिजाइन माय जॉब, ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन माय कंपनी एंड गॉट मैसिव मैसिव सक्सेस। पिछले करीब 13-14 सालों में मैंने 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोचिंग दिया, ट्रेनिंग किया। लेकिन 2007 से 2020 के बीच में एक चीज नहीं बदली है। 2007 में भी लोग मुझसे ये पूछा करते थे कि ये बिजनेस नहीं चलते, मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, लोग इस बिजनेस को करना नहीं चाहते। और आज भी जितने नए एसोसिएट्स इस बिजनेस में आ रहे हैं ना, उनको एक सवाल हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से फेस करना पड़ता है, क्या मार्केट में इस बिजनेस के लिए नेगेटिविटी बहुत है, लोग नेगेटिव बहुत है, इस बिजनेस को कोई करना नहीं चाहता, ये बिजनेस चलते नहीं है। अगर आपने भी इनमें से किसी सवाल को फेस किया है, या कभी कभी आपको भी ये थोड़ा अंदर में लगने लगता है, यार पढ़ा नहीं, यार मुश्किल बहुत है, कोई इस बिजनेस में आता नहीं है, बिजनेस चलते नहीं है, तो फिर आप रुक जाइए। 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 3 ऐसे प्रूवन सॉल्यूशंस जो आपको नेगेटिव से नेगेटिव इंसान को हैंडल करने की ताकत देंगे। 10 मिनट के बाद इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप ये बात बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों को इस बिजनेस में लाना सबसे आसान है। 10 मिनट के बाद आप ये बोलेंगे नेगेटिव लोगों को बिजनेस में लाना सबसे आसान है। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आइए जानते हैं कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, Know it before you show it। मतलब मार्केट में जब आप प्लान दिखाने के लिए निकले, काम करने के लिए निकले ना, अपना बिजनेस शो करने के लिए निकले, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें देखिए आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे ना, आप इस बिजनेस में लंबे समय तक रह पाएंगे और खुशी के साथ रह पाएंगे। नंबर 1 इज नेगेटिव कॉमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ये बिजनेस का हिस्सा है। हैरान होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस स्कैम है, ये चेन सिस्टम है, ये काम नहीं चलते, ये भी कोई बिजनेस है। इस बिजनेस को तो फेल हुए बहुत समय हो गया, बहुत समय पहले लोग किया करते थे। इस बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता, अच्छे लोगों को तो ये बिजनेस शोभा ही नहीं देता। जिनके पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं है वो इस बिजनेस को करते हैं। तू कहाँ इस बिजनेस में फंस गया, ये सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में अगले 2-3 मिनट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूं इसका, हाउ टू हैंडल दिस पीपल। बट एक चीज, यू नीड टू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स आर नॉर्मल इन द बिजनेस। देखिए एक बात को समझिए, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है फीचर। एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है फीचर। बिजली का स्विच है, वहां एक नंगी तार है, अगर आप छुएंगे तो करंट लगेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजली की नेचर है, ये बिजली का क्या बोलेंगे आप, स्वभाव है। अगर आप एक गर्म बर्तन को छुएंगे, आग को छुएंगे, तो वो आग आपको जलाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आग का फीचर है। जब किसी चीज को आप फीचर मान लेते हैं तो फिर आप ध्यान रखते हैं और तैयारी करते हैं। गौर से समझिएगा, जब आप किसी चीज को उसका फीचर मान लेते हैं तो फिर आप परेशान नहीं होते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, इसको प्रॉब्लम या शिकायत नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीचर है। और आप ध्यान रखते हैं, तैयारी करते हैं। अब आप उस बिजली की तार को अगर आपको छूना है तो आप उस तरीके से छुएंगे जिससे आपको करंट ना लगे। अगर आपको उस गर्म बर्तन को छूना है तो आप किसी कपड़े के साथ या किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ छुएंगे उसको, यू नो, आप तैयारी करेंगे। वैसे ही लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देना ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स के हर बिजनेस में, सेल्स के प्रोफेशन का प्रॉब्लम नहीं है, फीचर है। इसको एक्सपेक्ट करना शुरू करिए। इसको हैंडल कैसे करना है वो सीखेंगे, लेकिन इससे नाराज होना, इससे अपसेट होना, यू नो, इससे परेशान हो जाना और अपने फेथ पे डाउट करना, दैट इज वॉट आई वॉन्ट स्टॉप हियर। और दूसरी चीज क्या है ना, तैयारी भी करा करिए आप लोग। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नए एसोसिएट्स बिजनेस में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सीखते नहीं है कैसे करना है और मैदान में कूद जाते हैं। फोन उठाएंगे, 10 लोगों से बात कर लेंगे, और अब वो गए तो इसलिए थे कि इन 10 को बिजनेस में लाना है, लेकिन वो खुद भी उसके बाद अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। यू नो, आई रिस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंस, आई रिस्पेक्ट योर एग्रेशन, आई नो यू हैव ड्रीम्स, आई बिलीव इन यू, लेकिन एक बात समझिएगा, यू नीड टू मास्टर द बेसिक्स बिफोर यू लॉन्च योर सेल्फ इन टू एनीथिंग। आप दुनिया के हर फील्ड में ना, देखिए एक काम करने का तरीका होता है, देर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, लाइक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं तो 270 से ज्यादा फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, 100 से ज्यादा देशों में, 500,000 से ज्यादा लोग हैं जो लोग रोज इन वीडियोज का फायदा उठा रहे हैं। आप मेरी किताबें पढ़ सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रंथ है वो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं जो उन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। प्रोग्राम्स हैं, आपके अपने अपलाइंस हैं, आपकी अपनी कंपनी का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है, इन सबको यूज करिए। ये सब क्यों बनाया गया, ताकि आपको गलतियां ना करें जो गलतियां आपसे पहले सीनियर्स ने, अप्लायंस ने करी हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा एक रूल बहुत सिंपल है, गाइड और बी गाइडेड, गाइड और बी गाइडेड। अगर तुम तैयारी के साथ जाओगे तो आप सामने वाले को सही गाइडेंस दे पाएंगे, उन्हें गाइड कर पाएंगे, और अगर आप बिना तैयारी के साथ जाएंगे तो देन आप उनकी हां में हां मिलाएंगे और वो आपको गाइड करके भेज देंगे और आप वापस आ जाएंगे उनकी बातें बोलते हुए। यू नो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन नेटवर्क मार्केटिंग जो आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछने वाले हैं, दे आर प्रेडिक्टेबल।
पिछले 14 साल से तो मैं देख रहा हूँ, सवाल नहीं बदले, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, आपकी कंपनी बाकी कंपनियों से बेहतर कैसे, आपको कितने पैसे आ गए हैं, यू नो ऐसे बिजनेसेस काम नहीं चलते हैं, मेरी लिस्ट बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मेरे पास तो समय नहीं होता है, मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में, मुझे नहीं लगता इस बिजनेस के लिए मैं बनाऊँ और ये बिजनेस मेरे लिए बनाए। सब सवालों के जवाब आपके अप्लायंस के पास रेडी हैं, स्पीक टू देम। आपके अप्लायंस के साथ में कुछ सेल्स कॉल्स कर लीजिए। आप पहले कुछ फोन कॉल जो प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने के लिए करेंगे अप्लायंस के सामने कर लीजिए। यू नो रिमेंबर देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। कुछ भी करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सही कामों को सही ढंग से करने से कामयाबी मिलेगी। रिमेंबर दिस। नंबर टू, व्हाट्स योर स्टोरी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने 2007-08 में ढूंढी थी और तब से लेके इसने कई सालों तक मैंने खुद इससे कमाल के परिणाम लिए और हजारों और लोगों की मदद की इस टेक्निक ने। अगर आप इसको मास्टर कर जाएंगे ना, यू विल स्टार्ट लविंग नेगेटिव पीपल। जैसी नेगेटिव लोग और नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ना, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी। यू नो अधिकांश नेगेटिव लोग जो मुझे बोलते थे, दीपक यार अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना, देख तो दोस्ती अपनी जगह, ये बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज मैं ये बिजनेस को नहीं करना चाहता। और ये बोल के जिन्होंने मीटिंग शुरू की थी, सबसे पहले पैसा उन्होंने दिया और बाद में इस बिजनेस को फुल टाइम भी किया, ऐसे एक दो नहीं है मेरे पास में, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी मेरे ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट हैं, 12 देशों में कमाल के नेटवर्क मार्केटर्स ने उस कोर्स को लिया हुआ है, राइट, उस कोर्स में मैं आपको एक दो नहीं 55 टेक्निक्स बताता हूं, 55 टेक्निक्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, फॉलो थ्रू की और सेल्स क्लोजिंग की। और उस 55 में से वन ऑफ द फेवरेट टेक्निक्स ये है जो मैं आपके साथ जल्दी से भी डिस्कस करूंगा। टेक्निक का नाम है व्हाट्स योर स्टोरी। जैसे ही किसी आदमी ने मुझे कुछ बोला इस बिजनेस को लेके, राइट, कुछ भी नेगेटिव उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मैं मेरी प्रेजेंटेशन को बंद कर देता हूँ, लैपटॉप को बंद कर देता हूँ, उन्हें देखता हूँ मैं और मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ, आई थिंक आपका कोई ना कोई तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, क्या हुआ था पिछली बार। उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ओके यस एग्जैक्टली, थोड़ा और बताइए, अच्छा उसके बाद, ओ ओके अच्छा, या यू नो लाइक दैट। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, उनको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, उनको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। और जितना वो बोलेंगे उतना वो अपने मन की सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर टेबल पे रख देंगे। और 90% नहीं, 100% केसेस में 3 में से 1 चीज हुई थी जिसकी वजह से ये इंसान नेगेटिव हुए थे। नंबर 1, उन्होंने खुद काम ही नहीं किया था। ये जो सज्जन है जो मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद ठीक तरीके से बिजनेस को किया ही नहीं था। दूसरा, उनके जो अपलाइन थे वो थोड़े वीक थे, ड्रीम उतना मजबूत नहीं था, या जो भी कह लीजिए सिस्टम उतना अच्छा नहीं था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का और अपलाइंस की तरफ से सपोर्ट का, देन बिजनेस क्रैश्ड। या तीसरा, शायद वो किसी गलत कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए, बाद में वो कंपनी बंद हो गई। और ये तीनों के तीनों केसेस में गलती नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी, गलती कुछ लोगों की थी, या तो इनकी खुद की, या इनके अपलाइन की, या इनके पास सिस्टम नहीं है, या कंपनी खराब थी, राइट। और ये सारी बातचीत के बाद, ये सब बोलने के बाद में, जब वो खुद ये बात मानने से लग जाते हैं ना कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से या किसी और की वजह से हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो कमाल की है यार, राइट, देन सेल इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। नेगेटिव पीपल आर द फर्स्ट वंस टू गिव देयर सेल। याद रखिएगा, नेगेटिव लोग सबसे पहले अपना सेल क्लोज करवाएंगे। आपको क्लोजिंग नहीं करना नेगेटिव लोगों के लिए, वो खुद सेल क्लोज करते हैं। एंड यू नो व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव, बिकॉज उन्होंने बहुत पैशन के साथ ड्रीम के साथ काम शुरू किया था, लेकिन वो बात बना नहीं था, तो दिल टूट गया पिछली बार उनका, उनका साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा। नाउ इफ यू गिव देम अ राइट प्लेटफॉर्म, यू आर अ थरो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, और अगर आप सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, दे वुड लव टू कम विद यू माय डियर फ्रेंड्स। और हो सकता है फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, छोड़ दीजिए आगे बढ़ जाइए। तीसरी चीज, नेवर फॉरगेट योर रेशियोस एंड नंबर्स। अपने नंबर्स और रेशियो को कभी मत भूलिएगा। देखिए, Everyone you talk to will not say yes. और ऐसा उम्मीद करना भी गलत है। हर इंसान जिससे आप बात करेंगे वो आपको हाँ करने वाला नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। तुम जितनी सारी शर्ट्स देखते हो क्या सारी खरीद लेते हो? जितनी गाड़ियां कारें तुम टेस्ट ड्राइव करते हो क्या हर कार खरीद के आ जाते हो? चाहे वो सॉस की बॉटल हो, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो एक्सेसरीज हों, चाहे वो मोबाइल फोन्स हों, हम लोग कम से कम अगर एक चीज़ खरीदनी होती है ना तो 10 को ट्राई करते हैं। हम भी 10 में से 9 को ना करते हैं, 1 को हाँ करते हैं। अभी आप सेलर हैं, राइट, सामने वाला कस्टमर है, और अगर उन्होंने ना कर दिया तो फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं?
कुछ लोगों को 10 में से 2 लोग हाँ करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया, माइंडसेट पर्सनालिटी पे काम किया, उनको 10 में से शायद 4 लोग हाँ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हर इंसान हाँ नहीं करेगा, आपको अपनी रेशियोज पे काम करना है। 10 लोगों से बात करेंगे 2 लोग हाँ करेंगे, तो हो सकता है ये पहले 2 हों, हो सकता है 4था 5वां करे, हो सकता है 7वां 8वां करे, और हो सकता है कभी 9वां 10वां करे। तो अगर आपको पहले 2, 5, 6, 8 लोगों ने ना कर दिया, तो आपका एटीट्यूड पता क्या चलना चाहिए अगर आप नंबर्स और रेशियो पे काम करते हैं तो? हाँ के नज़दीक पहुंचता जा रहा हूं, अब मैं हाँ के नज़दीक पहुंचती जा रही हूं। यू नो व्हेन पीपल से नो दे वांट टू डिफेंड देमसेल्फ, जब लोग ना बोलते हैं ना तो उन्हें इस ना को और वजन देना होता है, तो वो नेगेटिविटी बोलना शुरू करते हैं, और वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे में कोई कमी है। वो क्या करेंगे, वो कमी आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में ढूंढने लग जाते हैं। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, दे आर स्केयर्ड, लोगों को डर लगता है, इसके लिए वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन किसी भी नेगेटिव कॉमेंट को फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा, वो बिजनेस में आएंगे तो बढ़िया, नहीं आएंगे तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन यू नीड टू टॉक टू देम। उन्होंने कुछ बोला और आप सुन के आ गए, दैट इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। यू नीड टू गेट टू द रूट, यू नीड टू गेट टू द रूट। नेवर एक्सेप्ट एनी नो और ऑब्जेक्शन, नेवर एक्सेप्ट एनी नो और ऑब्जेक्शन। यू नीड टू काउंटर दैट, यू नीड टू स्पीक अबाउट दैट, राइट? और इन 3 टेक्निक्स को यूज करिए, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी अ टॉप मोस्ट प्लेयर इन दिस ब्यूटिफुल इंडस्ट्री। आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चुना है, तब तक मत छोड़िएगा जब तक आप मिलेनियर ना बन जाएं। कुछ लोगों की ओपिनियन और नेगेटिव कमेंट्स से इस खूबसूरत बिजनेस को मत छोड़िएगा। यू नो यू नीड टू बिल्ड इट इन द राइट वे, मास्टर द बिजनेस। मेजोरिटी लोगों के साथ इस बिजनेस में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं। हर बिजनेस, हर प्रोफेशन, हर जॉब के लिए आपको सीखने की जरूरत होती है, सालों साल लग जाते हैं जब जाकर आप तैयार होते हैं उस बिजनेस को करने के लिए। 10-10 साल पढ़ाई होती है, 6-6 साल पढ़ाई होती है, तब आप कोई काम करने लगते हैं। तो ये बिजनेस भी अगर कमाल का है, बेमिसाल है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड सम मनी इनटू लर्निंग दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस को मास्टर करिए और आप, मेरा यकीन है, आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। इस वीडियो ने अगर आपकी मदद की तो अपनी टीम के हर एसोसिएट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और एक बार दिल से फिर से मेरी पूरी टीम की तरफ से हमारे इस चैनल को 100 से ज्यादा देशों में करीब 5 लाख लोगों के लिए 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर बनाने के लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। डोंट क्विट दिस ब्यूटीफुल बिजनेस टिल द टाइम यू बिकम अ मिलेनियर। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग।